हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर मैं विभा चतुर्वेदी फ्रॉम इंग्लिश क्लासेस बाय विभा चतुर्वेदी अपने यूट्यूब चैनल से आपके सामने हूँ। और स्पेशली इस बार मैं हूँ क्लास ट्वेल्थ के स्टूडेंट्स के लिए, जिनके सिलेबस में ये पोएम है माय मदर एट 66, जिसे लिखा है कमला दास ने। ये पोएम है एक मदर और डॉटर के बीच की बॉन्डिंग की, वो बॉन्डिंग जो कि एक डॉटर को हमेशा मदर से बिछड़ने पे दुख दिलाती है, परेशान करती है। इस पर्टिकुलर पोएम में जो डॉटर है वो कोचीन जा रही है, एयरपोर्ट पे जा रही है, कार से जा रही है, साइड में मदर बैठी है। मदर को नींद आ जाती है और उनका मुंह खुल जाता है सोते सोते, और डॉटर जब देखती है मदर की तरफ तो उसे लगता है कि माँ बहुत बूढ़ी और कमजोर हो चुकी हैं, उन्हें केयर की जरूरत है, वो मृत्यु के निकट जा रही हैं। इनफैक्ट वो सोती हुई एक डेड बॉडी की तरह ही नजर आ रही हैं। अपनी अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए पोएटेस दूसरी तरफ देखती है कार से, तो उसे पेड़ पौधे सब चीजें कार के साथ रेस लगाते हुए नजर आते हैं, दौड़ते हुए नजर आते हैं, बच्चे चिल्लाते हुए अपने अपने घरों से मैदान की तरफ निकल रहे हैं, जो कि सिंबॉलिक है एनर्जी के, होप के, चीयरफुलनेस के। ऑन द ऑपोजिट मदर इज सिंबॉलिक ऑफ डेथ, कमजोरी, पेलनेस, और यही एक कंपैरिजन है जो पोएटेस ने किया है बिटवीन ओल्ड एज एंड यंग एज, यूथ एंड ओल्ड, वीकनेस एंड वाइटैलिटी, चीयरफुलनेस एंड ग्लूम। ये पूरी पोएम आप देखिए इसी बारे में है जो अभी मैंने आपको बताया। आई सॉ माई मदर बिसाइड मी डोर्स ओपन माउथ विद अ फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स एंड रियलाइज विद पेन, कॉर्प्स इज डेड बॉडी, realized with pain that she was as old as she looked, but put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling, though contrasted, alag alag, out of their homes, but after the airport security check, standing a few yards away, she says, my childhood fear that I may lose my mother any time, now it has resurfaced when I actually look at her, but still I say see you soon amma, and all I did was smile and smile, and the smile also shows helplessness but also a hope that she would meet her mother again. ये समरी है, समरी भी वही है, इसको वीडियो को पॉज कीजिए और ध्यान से पढ़िए, ध्यान से पॉइंट्स नोट डाउन करिए। That it's an emotional poem that describes a daughter's feeling towards a mother. Kamala Das has written this poem and it's a beautiful example of bond between a mother and a daughter. Through the lines of the poem, the poetess has poured out her fear of losing a mother as a daughter. She becomes emotional and tries to distract herself, and then she records the contrasting nature of the scenery. There are young trees and happy children. They represent freshness and youth, while her mother looks old and frail. And then, now we come to the main theme of the poem. And the theme of the poem is the aging, which is the law of nature. Maa hai, umr ke saath boodhi hongi. Yahi prakriti ka vidhan hai. It also depicts the helplessness of old aspirations of young generation. It portrays the different stages of life and how everybody grows old and faces various situations that life throws at them. So this is the central theme of the poem. Rest, you can read. And now we see that the poetess realized that her mother was old. All the same points, you know, repeat it. When you write your answer, you have to see these points carefully and write your answer. So these things were contrary to the aging face of a mother. The trees and children symbolize energy, life and happiness.
ये कॉन्ट्रास्ट है जो बड़ा ही खूबसूरती से कमलादास ने अपने पोएम माय मदर एट 66 पर दिखाया है। अब कुछ क्वेश्चंस जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं, मैंने कोशिश की है कि मैं इनका आंसर आपको बता सकूं। पहला है, व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एक दैट द पोएटेस फील्स, पोएट फील्स, पोएट हियर इन आवर केस इज पोएटेस। सो शी लुक्स एट हर मदर्स फेस क्लोजली, शी डिस्कवर्स दैट शी हैज एज्ड एंड लुकिंग वीक एंड पेल। द फीलिंग ऑफ अ मदर बीइंग ओल्ड नीडिंग केयर एंड हेल्प पेन्स द पोएटेस एज देयर इज नो वन टू लुक आफ्टर हर। माँ अकेली है इसीलिए बेटी को चिंता ज्यादा है कि उनका पीछे से ख्याल कौन रखेगा। शी फील्स दैट अ मदर कैन डाई एनी मोमेंट एंड दैट शी विल लूज हर फॉर एवर। हर चाइल्डहुड फियर ऑफ लूजिंग अ मदर हैज रीसर्फेस्ड नाउ। द पोएटेस फील्स द पेन ऑफ अ मदर एंड हर ओन हेल्पलेसनेस टूवर्ड्स हर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग मतलब दौड़ लगाना, रेस लगाना, क्योंकि जब कार चल रही है तो पेड़ भी ऐसे लगते हैं जैसे कि वो भी कार के साथ साथ रेस लगा रहे हैं। दूसरा, द ट्रीज हैव बीन पर्सोनिफाइड, दे आर स्प्रिंटिंग। और रनिंग ट्रीज सिंबलाइज यूथ एंड लाइफ, यंग बच्चे ही दौड़ सकते हैं ना, वेयर एज द ओल्ड मदर इज स्लिपिंग टुवर्ड्स द ग्रेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Why has the poet brought in the image of the merry children spilling out of their homes? क्यों क्यों ये इमेज पोएटेस ने दिखाई है? वो इसलिए दिखाई है क्योंकि कंपैरिजन है। She wants to draw a comparison between old age and young age. The little children are full of life, hope and cheerfulness, whereas the old and weak mother is fast losing her hold on life. Next question है, Why has the mother been compared to the late winter's moon? क्योंकि विंटर मून हमेशा डल होता है, इट lacks luster. So is her mother at the end stage of her life. Also, as the late winter moon gets overshadowed by the fog and mist in the sky, similarly her mother can get overshadowed by death at any time. She has been compared to the winter's moon. Last question है, What do the parting words of the poet and her smile signify? The parting words of the poetess show her positive attitude that, okay mother, I will meet you again and again. That is what her smile. She does not try to reassure her mother. She tries to reassure herself ki main milungi apni maa se ek baar aur. She is being very brave, which is indicated by the use of repetition in the poem. Smile, smile and smile. So students, I hope ये poem आपको समझ में आई। Videos को आप हर slide को pause कीजिए, answer note down कीजिए, summary note कीजिए, theme note कीजिए और इस poem को अपने तैयार कीजिए अच्छी तरह से। और नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके क्वेश्चन पूछिए, मैं बहुत खुशी खुशी आपका जवाब दूंगी। मिलते हैं अगली एक और पोएम के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।